एंड वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर और इस वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं। एक वीडियो है सुधीर चौधरी ओपनली प्रेज पाकिस्तानी प्लेयर्स कनेक्शन विद अल्लाह। वीडियो है गाइस जिसमें शायद एंकर हैं ये इंडियन टीवी एंकर। मैं बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखता नहीं हूँ, एक आधी कभी देख लिया तो देख लिया, ज़्यादा नहीं देखता हूँ। यूँ कहें कि इंडियन मीडिया ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को, पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्रेस किया है, उनकी सराहना की है, उनको अप्रिशिएट किया है। तो किस तरह से किया है देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सामने क्रम पाकिस्तानी वाइस कैप्टन मोहम्मद रिजवान की वो वीडियो जिसमें वो ग्राउंड में नमाज अदा कर रहे हैं पूरे भारत में वायरल हो रही है। यही वजह है कि अब भारतीय मीडिया के बड़े बड़े एंकर ये कहने पर मजबूर हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे पहले अपने मजहब और पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। यही वजह है कि कामयाबी उनके कदम चूमती है। भारतीय एंकर सुधीर चौधरी ने तो अपना पूरा प्रोग्राम इस पर कर डाला कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, उनकी आम रूटीन की जिंदगी हो या फिर दौरान मैच उनका बिहेवियर, हर बात पे वो अपने अल्लाह का नाम लेना नहीं भूलते। जबकि दूसरी तरफ अपने भारतीय खिलाड़ियों के बारे में उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए खेलते हैं, तब भी इनकी नेटवर्थ पाकिस्तानी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा है। और जब पाकिस्तान भारत का मैच चल रहा था तो उसके दौरान जो टीवी पर इश्तेहार चल रहे थे तो उसमें भी आपको भारतीय खिलाड़ी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की कमर्शियल करते नजर आते हैं। इनकी नेटवर्थ तो बढ़ती है लेकिन खेल के मैदानों में ये कुछ भी नहीं कर पाते। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे अल्लाह ताला की जात का नाम तो भारतीय टीवी चैनलों पर भी गूंज रहा है, जिसका सारा क्रेडिट जाता है पाकिस्तानी शाहीनों को। और ये भी दिखाते हैं कि कैसे सुधीर चौधरी अपने खिलाड़ियों को रगड़ रहा है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी इस बारे में ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इस विश्लेषण से पहले हम भारत के लोगों को एक डिस्क्लेमर भी देना चाहते हैं और वो ये कि आप में से बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान की तारीफ बुरी लग सकती है, लेकिन खेल में जब तक जीतने वाले खिलाड़ी के जज्बे को करीब से ना समझा जाए तब तक आप खेल को भी करीब से समझ नहीं पाएंगे। हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने और पाकिस्तान के लोगों ने तो इसे धर्म का मैच बना दिया था, दो समाजों को बांटने का मैच बना दिया था। असल में था तो ये क्रिकेट मैच ही, लेकिन अब आप सोचिए ये क्रिकेट मैच कितना बड़ा हो गया और इसके कितने पहलू अब देश के सामने आ गए हैं। कल के मैच में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने अपने देश और अपने धर्म को सबसे आगे रखा और ये काम वो हमेशा करते हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी हमेशा से करते आए हैं, चाहे मुद्दा उनके देश का हो, चाहे मुद्दा कश्मीर का हो, चाहे मुद्दा इस्लाम का। वो खुलकर बिना शर्माए, बिना संकोच किए अपनी बात रखते हैं, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। कल जब मैच के दौरान एक ड्रिंक्स ब्रेक हुआ तो पाकिस्तान के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान मैदान पर ही नमाज पढ़ने लगे। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मैच के बाद जब पाकिस्तानी खिलाड़ियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछे गए, रिएक्शन पूछा गया उनकी जीत पर, तो उन्होंने अपना हर जवाब अल्लाह का नाम लेकर ही शुरू किया। देखिए आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरा पहला मैच, इंडिया के खिलाफ पहला मैच, वर्ल्ड कप का पहला मैच, जिसके साथ अल्लाह पाक ने सब कुछ आसान कर दिया। अल्लाह पाक जो देखिए, पर्सनली बिलीव इस चीज पे करता हूँ कि यार निजाम चलाने वाला अल्लाह जिल्ला जलालू है और हर किस्म के रिजल्ट तो अल्लाह की तरफ से आते, तो अल्लाह पाक जरूर हमें जो बेहतरीन इंसाफ कर रहे हैं अल्लाह जिल्ला जलालू है, तो हमें जरूर वो जो है रिजल्ट देंगे। हमारी रिजल्ट हमारे बहुत करीब थे अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी टीम की चीजें देख ली जाए, ओपन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नए बॉल स्ट्राइकर शहनशाह, ऑफ स्पिनर है, ओपन हिटर सारे अल्हम्दुलिल्लाह पाक ने पूरे किए हुए। शहनशाह अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा मेरे ख्याल से मेरे लिए पर्सनली पाकिस्तान जो वर्ल्ड के जो टॉप बॉलर है मैं उसके अब गिन रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जिस चीज की डिमांड की थी कप्तान ने इससे नहीं, उसने करके दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी अल्लाह पाक ने रिजल्ट दी। थोड़ा सा अगर भी मुझे स्विंग मिला या मेरा बॉल डिप हो गया तो आउट हो जाएगा, तो उसमें मैंने सिर्फ कोशिश की, बाकी रिजल्ट अल्लाह ने दिया। तो उनका हर जवाब यहीं से शुरू होता है कि ये अल्लाह की मेहरबानी है। पाकिस्तान का हर खिलाड़ी सबसे पहले आपको यही बताता है कि वो एक सच्चा मुसलमान है, फिर वो बताता है कि वो एक सच्चा पाकिस्तानी है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो कश्मीर के मुद्दे पर भी खुलकर बोलता है। लेकिन भारत के खिलाड़ियों को आपने ऐसा करते हुए शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो या अपने देश का मुद्दा हो, वो खुलकर अपने देश का पक्ष कभी नहीं रखते, अपने धर्म की बात कभी नहीं करते। वो सिर्फ एक खिलाड़ी बनना चाहते हैं, वो भी एक करोड़पति महंगा खिलाड़ी। कल अगर आपने ध्यान दिया हो करोड़पति महंगा खिलाड़ी, जितने भी विज्ञापन आ रहे थे कल मैच के दौरान, आप तो जानते हैं जब इस तरह का मैच होता है तो विज्ञापन बहुत होते हैं। ज्यादातर विज्ञापन वो थे जिनमें आपको
भारत के बड़े बड़े खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी नजर आ रहे थे, यानी विज्ञापनों के जरिए भी हमारे बहुत ज्यादा आते हैं यार, एड्स में तो बहुत ज्यादा आते हैं खिलाड़ी। कई बार तो ऐसा लगता है कि आप शायद किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि किसी फिल्म स्टार को मैच खेलते हुए देख रहे हैं। खैर, जो होना था सो हो गया, अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं, और अगर भारत अपने आगे के सारे मैच जीतता है और पाकिस्तान की टीम का प्रदर्शन भी ऐसा ही रहता है तो कोई बड़ी बात नहीं कि वर्ल्ड कप के फाइनल में भी बाप भारत और पाकिस्तान दोनों को खेलते हुए देखें। अब कल्पना कीजिए कि फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के निशाने पर इस बार सिर्फ भारत नहीं बल्कि भारत से भी ज्यादा न्यूजीलैंड की टीम है, क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले महीने पाकिस्तान में अपना पहला मैच खेलने से पहले ही वापस लौट गई थी, सीरीज छोड़कर चली गई थी। इसके बाद पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स ने कहा था कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद कर दिया। मंगलवार को पाकिस्तान का मैच उसी न्यूजीलैंड के साथ होगा और पाकिस्तान उसे भी किसी भी कीमत पर हराना चाहेगा, लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स इस बात के लिए बदनाम रहे हैं कि एक मैच जीतने के बाद ही वो निश्चिंत हो जाते हैं, खुशियां मनाने लगते हैं और फिर वो आगे की तैयारी पर ध्यान नहीं देते। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। कप्तान बाबर आजम ने कल जीत के बाद अपने ड्रेसिंग रूम में अपने खिलाड़ियों को बिल्कुल यही समझाया कि इस जीत को अपने सिर पर ना चढ़ने दें, क्योंकि अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं। एंजॉय करेंगे साथ में, ये वीडियो बोला था आप सुनिए जब वो अपनी टीम को यही बात समझा रहे हैं। हाँ, ये वीडियो मैं देख चुका हूँ, बहुत सही बोला था भाइयों। ये इंडिविजुअल किसी की परफॉर्मेंस नहीं है, ये एज अ टीम हम जीते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज छोड़नी नहीं है किसी भी टाइम पे, अभी स्टार्ट है, मैंने भाई भी कहा था अभी स्टार्ट है, एंजॉय करो, लेकिन एक्साइटेड ओवर एक्साइटेड नहीं होना कि हम सिर्फ कल का दिन एंजॉय करते रहे, आगे अभी हमारे काफी मैच है, हमने आगे फोकस करना है, ये गुजर गया तब एंजॉय करेंगे, मिलके करेंगे, लेकिन फोकस हमारा एक है, वो क्या है, वर्ल्ड कप जीतना। तो किसी भी टाइम हम रिलैक्स नहीं होंगे, जिसके हाथ में बॉलिंग आए, जिसकी फील्डिंग आए, जो बैटिंग करे 100% दे। पहले जो था भूल कर सब ऐसे, मतलब बदनाम टीम पाकिस्तान की टीम, फैमिली को साथ एंजॉय करेंगे, लेकिन ओवर एक्साइटेड ना होना प्लीज। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम परसों वाले मैच में घूमे वो ना करना प्लीज, क्योंकि ये हमारी आदत है, ये चेंज करनी है हमने। और ये हम जब जल्दी, मुझे नजर आ रहा सब में नजर आ रहा है कि आज तक ये चेंज हो गए इंशाल्लाह, और ये हम लोग ही करेंगे और कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। तो वेरी वेल डन, क्या बात है यार, क्या स्पीच देके गया है बंदा, इस चीज को चेंज करना है। तो पाकिस्तान की जो टीम है ये नए खिलाड़ियों की टीम है, ज्यादातर युवा खिलाड़ी, न्यूजीलैंड को भी हरा दिया। युवा खिलाड़ियों की एक अच्छी बात ये होती है कि वो दबाव में नहीं आते, वो पुराने जो ट्रेडिशनल प्रेशर्स होते हैं उनमें नहीं आते, इसीलिए ये जो खिलाड़ी हैं ये बिल्कुल खुले मन से, बिना प्रेशर के, बिना डरे, भारत की इतनी स्टार स्टडेड और इतनी सुपर स्टार टीम के साथ ये लोग खेले, क्योंकि ये टीम के वजन को समझते ही नहीं है, और इनके पास खोने के लिए कुछ था नहीं, और इनके पास जो भूख थी वो भारत की टीम से कहीं ज्यादा थी। हालांकि एक बात के लिए आपको भारतीय टीम और खासतौर पर कप्तान विराट कोहली और टीम के मेंटोर महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ जरूर करनी चाहिए, क्योंकि मैच हारने के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाई, और विराट कोहली ने मोहम्मद रिजवान की पीठ थपथपाई, धोनी ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बातचीत की, और ऐसी तस्वीरें कल आपको मैच के बाद दिखाई दी होंगी जब हमारे देश के जो ये बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं इन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ बात की, उन्हें शाबाशी दी, और हो सकता है कि कुछ टिप्स भी दिए हों। सो गाइस, वीडियो बहुत सही था, पॉजिटिविटी से भरा हुआ था वीडियो, बहुत सही सही पॉइंट्स को इन्होंने निकाल कर सामने रखा है। मतलब क्या बोला है इन्होंने यार, एड्स पर ध्यान है, पैसे पर ध्यान है इंडियन टीम का, मतलब वो चलो भड़ास निकल रही है हार के बाद, कह सकते हैं पॉइंट्स इन्होंने सही बोले हैं कि पाकिस्तान जो टीम है वो अपने आप को बदलने की कोशिश कर रही है, जो जिस चीज़ के लिए बदनाम थे पहले उस चीज़ को बदलने की कोशिश की है। जैसे कि मैंने स्पीच की बात की थी, इन्होंने भी स्पीच दिखाई है इसमें बाबर आजम की इंडिया से मैच जीतने के बाद, तो वो चीज़ जो है वो चेंजेस लाने की पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रही है कि हमें अपना जो है अपनी इमेज सुधारनी है लोगों के सामने। हाँ, लोग सोचते थे, हम भी सोचते थे, सब लोग सोचते थे यहाँ पर कि पाकिस्तान जो है एक मैच अगर जैसे तैसे जीत भी गई
ये मेंटेलिटी बन गई थी लोगों की कि अगर जीत भी गई उसके बाद वो ऐसे बेफिक्र हो जाते हैं, मौज मस्ती में लग जाते हैं, उनको प्रैक्टिस प्रैक्टिस से या फिर किसी चीज़ से आने वाले अगले मैच से कोई फिक्र ही नहीं होती उसकी, तो वो आगे हारते चले जाते हैं। ऐसे हालात पहले थे लेकिन अब सुधर गए हैं, न्यूजीलैंड को हरा दिया है। कि बेइज्जती की है कि सुपर स्टार, मतलब ये भी एक टॉन्ट था कि सुपर स्टार खिलाड़ी, सुपर स्टार बने हुए हैं वो, लेकिन हार गए हैं और गेम में ध्यान नहीं है, एड्स में ध्यान है वगैरह वगैरह, तो इस तरीके की बातें की उन्होंने। लेकिन पाकिस्तानी टीम की तारीफ़ की है, ये मुझे बहुत सही लगा कि उन्होंने जो सही है उस चीज़ को उठाकर तारीफ़ें की है, जो है चाहे धर्म की बात हो, कि उन्होंने मैच के बाद हर जगह पर अल्लाह का नाम लेते हैं, पिच पर नमाज़ पढ़ी रिजवान ने, तो उस चीज़ को भी इन्होंने हाईलाइट किया है कि वो बहुत सही किया है, इस वे में किया है इन्होंने हाईलाइट कि वो सही काम किया है उन्होंने, वो मानते हैं इस चीज़ को, इसलिए वो जीत गए हैं। तो ये इन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश की है जो कि बहुत सही है। तो पॉजिटिव था पूरा वीडियो, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा ये वीडियो। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करें, कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें मेरे साथ और भी ऐसे वीडियोज़ देखने के लिए। सो बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।